हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं लेकर आती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पेल वर्क और टैरो रीडिंग। आज की इस वीडियो में मैं सेजिटेरियस के लिए अगस्त 2023 कैसा होने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, उनका करियर कैसे होने वाला है, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, रेजोनेट करोगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स लिख देना। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले करियर कैसा होने वाला है फॉर सेजिटेरियस इन अगस्त 2023। जल्दी से कर लेते हैं रीडिंग। ओके, ओके, पहला कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज का, दूसरा है ऑर्डिनरीज का, तीसरा है स्ट्रेस का। ओके, थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, एग्जॉशन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो सेजिटेरियस, जो आपके लिए करियर का गाइडेंस है वो ये है कि हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस में कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। थोड़ा सा अभी के लिए ऐसा आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, काफ़ी स्ट्रेस है। क्योंकि ये टाइम भी ऐसा है ना, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, काफ़ी लाइफ में, लोगों के लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है इस वक्त कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग करियर में स्ट्रेस्ड होके बहुत सारी ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे जो इवेंचुअली उनकी लाइफ को बेहतर बनाएगा, कुछ लोग परेशान होके एक दूसरा वे ले लेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको फ्लो के साथ जाना है, ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होना है, थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल होना है, मतलब कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा मेडिटेशन कर लो। जो मैं मंत्रा इस वीडियो के एंड में आपको दूंगी उसको चांटिंग करो, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करो जैसे छोटी छोटी चीज़ें गरीब बच्चों में बांट दिया या फिर एनिमल्स को खिला दिया, ऐसी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है वो करो, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। प्लस गाइडेंस ये है कि इस टाइम पे आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपके आसपास जो चीज़ें है हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है। आपके कौन ट्रू फ्रेंड्स है और कौन दिखावे के फ्रेंड्स है, वर्क प्लेस में कौन एक्चुअली आपके हित में सोचते हैं और कौन बस दिखावा कर रहे हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। इस ये टाइम रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का नहीं है, इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, बस मन लगा के अपना काम करना है और ऑब्जर्व करना है, सिचुएशंस को समझना है। 18th तक ऐसा सिचुएशन बना हुआ रहेगा, 18th के बाद आपकी रुकी हुई प्रमोशंस मिलेंगे आपको, आपका आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। स्पेसिफिकली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो आपके अंडर बहुत सारा वर्क प्रेशर डालेगा, आप बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस फील करेंगे, बहुत सारा काम आएगा आपके पास, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी आगे आपकी करियर सक्सेस में मदद करेगा, आपकी मदद करेगा कि आप इस लैडर को क्लाइम करो और आगे बढ़ो। एंड लास्टली, थोड़ा एग्जर्शन फील होगा, बट आपको ये सोच के काम करना है कि एक बर्ड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब वो फ्लाई करता है, लेकिन वो जो मेहनत करता है वही उसको आसमान तक लेके जाता है। तो ये टाइम है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, ताकि आप समझो आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, मन लगा के काम करो, फोकस करो
और जो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएगी, भले ही वो आपके लिए का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, हो सकता है वो काम आपसे रेलेवेंट भी ना हो। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि किसी और का काम आप कर रहे हो इररेलेवेंटली, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन यही आपको आगे जाके फ़ायदा देगा। चलिए एक बार देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है अगस्त 2023 में। ओके, पहला आया है टेन ऑफ वॉन्स, दूसरा सेवन ऑफ वॉन्स और तीसरा एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स हाई प्रिस्टेस का एंड द सन का कार्ड आया है। ऑल राइट, सो सेजिटेरियस, फिलहाल कंडीशन ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लव लाइफ में हो रही है जो आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि आप एक दूसरे से बातें तो कर रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो। बस एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग, आप हियर कर रहे हो, सुन ऐसे ही जनरली सुन रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, जैसे आंखों में पट्टी बंधी हुई हो, और इस वजह से काफ़ी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। थोड़ा सा टाइम को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप दोनों, थोड़ा सा फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप दोनों। अगर आप मैरिड कपल है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त आपके लाइफ में हो रहा है, और इस वजह से बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो टाइम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, आपके लाइफ में फिलहाल, बिकॉज आप या तो आप या आपका पार्टनर करियर में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि रिलेशनशिप के लिए ठीक से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हाउएवर द गुड न्यूज़ इज अगस्त के 15th के बाद, 15 अगस्त के बाद ये सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज होगी। एक तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है ना, वही आपके लाइफ में, लव लाइफ के सेक्टर में हो रहा है। आप जैसा सोच रहे हो, अगर आपने सोचा है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे, तो सच में टाइम नहीं दे रहे, आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है, फीलिंग आ रही है, तो सच में ऐसा हो रहा है। आपका इंट्यूशन और गट फीलिंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त। आप अपने इंट्यूशन के साथ जाओ, लेकिन एट द सेम टाइम सिचुएशन को समझो कि इस टाइम हो सकता है आप या आपका पार्टनर जो है अंडरस्टैंडिंग मोड में नहीं है बिकॉज ऑफ देयर ओन स्ट्रगल्स इन लाइफ। इस टाइम को कामली पीसफुली चले जाने दो, उसके बाद अगर इस टाइम पे आप लड़ाई नहीं करते हो, कामली ये टाइम आगे निकल जाता है, तो एक बहुत ब्राइट अंडरस्टैंडिंग आने वाला है। ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी एज इन फ्रेंड्स, मैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फ्रेंड्स या सिब्लिंग्स ऐसे लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या अपने सिब्लिंग्स की बातें सुन रहे हो, या किसी की भी बातें सुन रहे हो, या फिर आपका पार्टनर सुन रहे है, तो इस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त है वो और ज़्यादा क्रिएट होने की संभावना है। अगर इसको अवॉइड करते हो और अपनी इंट्यूशन के साथ जाते हो, अपनी गट फीलिंग के साथ जाते हो, तो सक्सेस आपकी रहेगी, रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की बातें सुन के इसमें डिसीशंस लेंगे तो लॉस आप ही का होगा, ऐसा दिख रहा है अगस्त लव लाइफ आपके लिए। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ कैसा होने वाला है। पहली बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे कि आप करोगे, आप ये भी करोगे, प्रोकास्टिनेट करोगे, आप वो भी करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, लेकिन वो बस सोचोगे, करने के टाइम पे ये नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लेजीनेस। थोड़ा सा आपको लेथर्जिक फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, या फिर वो
कभी कभी होता है ना, मन नहीं कर रहा है, वो मूड अपलिफ्ट नहीं है, काफी लो मूड होने वाला है, ऐसी सिचुएशन आपकी रह सकती है इस महीने। आपको थोड़ी सी ना हीलिंग की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, सुबह ज़बरदस्ती मॉर्निंग में उठ के ग्रीन ग्रास में चलना है, या फिर बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाना है, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है, इवनिंग को करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके बॉडी के अंदर वो ज़ील, वो एनर्जी वापस आ जाए। बिकॉज़ अगर आपका खुद का मन नहीं करेगा, करियर और रिलेशनशिप बाय डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट होगा ही। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर वो ज़ील लेके आनी है, वो इच्छा क्रिएट करनी है, वो लेथर्जिकनेस जो है उसको हटाना है, एंड आपको अपना गोल्स याद रखना है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। बिकॉज कन्फ्यूजन आपके माइंड को घेरा रहेगा, और विच इज़ वाई आप मेंटल स्ट्रेस के कारण आपका बॉडी का जो एनर्जी है वो काफ़ी लो रहने वाली है। इसके लिए जो मैंने बताया है उसको आप डेफिनेटली करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मंत्रा नहीं दे रही हूँ, आपको मैं दूंगी एक स्विच बोर्ड जो आपको चांट करनी है डेली 51 टाइम्स। 51 टाइम्स चांटिंग करनी है। स्विच बोर्ड आ रहा है स्क्रीन पे, एनर्जाइज करेज डिवाइन, एनर्जाइज करेज डिवाइन, ये आपका स्विच बोर्ड है। या फिर आप नंबर्स अगर पसंद करते हैं तो आपको लिखना है 19994, 19994, ये स्विच वर्ड आप भी, ये न्यूमेरिकल स्विच वर्ड भी आप चांट कर सकते हैं, या आपने राइट हैंड में यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, रेड या ग्रीन कलर के पेन से, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है। चलिए, ये था आपके लिए रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आप रेजोनेट कर पाए। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग के साथ तो कमेंट्स में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे बेनिफिट आपके लाइफ को होगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकूँ, आपको ऐसी टेक्निक्स बता सकूँ जिससे आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंशियल लाइफ, इन सब चीज़ों में सुधार आ सके। चलिए मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड एंजल्स ब्लेस यू।